अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ अक्खा मसूर और गोश्त। ये अक्खा मसूर ये मैं रात को ही भिगा दी थी, दो कटोरी है ये, और ये भीगने से इतना सारा हो गया ये। तो अभी इसमें मैं डालूँगी टमाटर उबलने में। दोनों चीज़ बराबर जाएंगी ना, गोश्त में और इसमें, तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। अभी इसको सिर्फ नमक डाल के उबालेंगे तो सही नहीं लगेगा। इसमें टमाटर और इसमें डालूंगी मैं आधे से भी कम कांदा, पूरा आधा कांदा भी नहीं, कम। और इसमें मैं दो हरी मिर्ची डालूंगी ऐसे चीरा लगा के थोड़ी सी। आपको मालूम है मेरे को कोथमीर हर चीज़ में डालना अच्छा लगता है। इसकी ये जो मैं आपको बताई थी ना, मैं वीडियो में कोई बताऊंगी मसाले में, ये जो लकड़ी है ना कोथमीर की, ये ऐसी कौली रहेगी ना, ये ऐसी टूट गई तो इसको मसाला पीसने में लेंगे ना तो ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है खाने में। यही मैं उस दिन आपको बता रही थी कि कोथमीर या हरा धनिया उसकी ऐसी ऊपर की लकड़ी मसाला पीसने में डालेंगे ना तो अच्छी लगती है। अभी ये तो हो गया, इसमें मैं नमक और हल्दी डालती हूँ। इसमें हल्दी डाल दूंगी, और नमक, और इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी डाल के मैं इसको चढ़ा दूंगी गैस पे, इसको पकने रखूंगी गलने। गैस मैंने ऑन कर रही हूँ, इसको मैं रख रही हूँ। अभी मैं आपको गोश्त का बताती हूँ। ये 1.25 किलो गोश्त है बीफ का, जो मैंने अच्छे से धो ली हूँ। अभी इसमें वही आधा टमाटर डालूंगी, टमाटर बड़ा है, आधा टमाटर डालूंगी। ये और इसमें ये कांदा इतना बड़ा जाएगा, आधे से भी ज़्यादा है ये कांदा, ये जाएगा। इसका मैं छिलका निकाल रही हूँ। इसमें भी सेम, अभी थोड़ी कोथमीर भी मैं डाल दूंगी इसी में, क्योंकि ये जब उबलेंगी ना ये दोनों चीज़ें तो इसमें से खुशबू आएगी। किस वजह से? कोथमीर की वजह से, मतलब हरे धनिए की वजह से खुशबू इसमें आएगी। तो दोनों में बराबर हिसाब से डालेंगे और उबालेंगे ना तो खाना भी, मतलब ये जो है आप दाल गोश भी बनाएंगे ना उसमें भी सेम, दाल में भी ऐसी डालो और ये इसमें गोश्त में उबलने में भी ये सब डालो, बराबर डालेंगे तो। इसमें भी मैं कोथमीर डाल दी, ये देखो मैं लकड़ी के साथ डाल दी। अब इसमें भी मैं नमक हल्दी डालूंगी, ये नमक, और इसमें भी जाएगी हल्दी। अभी मैं इसको भी चढ़ाने वाली हूँ, फिर ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको मसाला बता देती हूँ कि इसमें मसाले में क्या क्या जाएगा। मसाले में क्या क्या जाएगा मैं बताती हूँ, और एक कांदा लगेगा इसको बघारने में, तो कांदा भी मैं काट कर बता देती हूँ। एक ही कांदा लगेगा जो इसको बघारने लगेगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और जिसमें मैं बघारूँगी मैं उसी में कांदा काटूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन वर्तन नहीं भराती हूँ, जितना हो सके उतना कम बर्तन यूज़ करो, अपने को भी अच्छा रहेगा, आसान है।
मैं थोड़ी चाय गर्म कर रही थी, अब मैं ये भी रख दे रही हूँ क्योंकि गोश्त में जो पानी है वो पानी निकलेगा, तो फिर वो हिसाब से मैं उसमें पानी डालूंगी। अभी फ़िलहाल मैं ढक्कन लगा रही हूँ, फिर मैं आपको मसाला बताती हूँ। मैं आपको मसाला बताती हूँ उसमें क्या आ जाएगा। ये जाएगी अदरक, अदरक और थोड़ी जाएगी, इसमें जाएगा ये हरी मिर्ची, लहसुन, पुदीना। तो मैं ऊपर से जब पक जाएगा ना उस पर ऊपर से काट के डालूंगी। ये जो मैं बोली ना लकड़ी, कोतमीर की काली लकड़ी, ये ऐसा पीसने में डालने का ऐसा। ये जो चीज़ है ना मैं पकने के बाद ऊपर से डालूंगी, और ये कोतमीर जो मैं भुनने में डालूंगी और पकने के बाद ऊपर से और डालूंगी। ये जो कांदा मैं बताई इसमें मैं बनाने वाली हूँ, मैं उसी में कांदा काटूंगी, एक ही कांदा। ये देखिए ये ऐसे लंबे लंबे काटूंगे लच्छेदार। कांदे के ऊपर मैं डालूंगी शाह जीरा और 5-6 काली मिरी, बस ये डाल के मैं भगाऊंगी। और ये मसाले में मैं जीरा डाल के पीसूंगी, सिर्फ जीरा, और गरम मसाला पाउडर जो है मैंने बनाई हूँ वो मैं डालूंगी। अब भुनने में देखना मैं क्या क्या डालूंगी। और मैं ये अभी पीस लेती हूँ जीरा डाल के, मैंने मसाला पीस ली हूँ, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, कोतमीर, बस यही इसमें जाएगा भुनने में। फिर उसके ऊपर जाएगा मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सब जाएगा उसमें, शाह जीरा और काली मिर्च। फिर मैं बघारने का टाइम बताती हूँ। और जो मैंने कपड़ों की वीडियो डाली थी, आज मैंने ईयरिंग की वीडियो डाली, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा लगे तो कमेंट में बोलो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या। मैं आप लोगों के लिए सब डाल रही हूँ, बता रही हूँ, कपड़े का कलेक्शन बता रही हूँ मैं, आप लोगों को पसंद आए तो बोलो। तो ये मसाले में ही मैं जो आधा टमाटर जो बचा है ना वो इसके मसाले के ढक्कन में काट रही हूँ, टमाटर बाकी दोनों में मैंने इसमें दाल में जो छोटा एक टमाटर डाली हूँ छोटा वाला, और इसमें गोश्त गलाने में मैं आधा डाली हूँ, बस जो गोश्त का जो आधा बचा हुआ है ना टमाटर वो मैं भूनने में डालूंगी, बस इतना ही, थोड़ा सी, ज़्यादा नहीं। भूनते टाइम बहुत बहुत बता, ये भी मेरा अखा मसूर और गोश्त गल गया है, अभी मैं कांदा लाल करूँगी, मसाला भूनूंगी मैं अभी। अखा मसूर गल गया है, तो मैं इसको थोड़ा दाल घोटनी से घोटूंगी, अच्छे से एकदम घोटेगा, हो गया अच्छे से घोटे गया। ये ऐसी रहना चाहिए, मैं चम्मच से बताती हूँ, ये ऐसा रहना चाहिए, मतलब अक्खा मसूर जो है, मसूर की दाल जो रहती है ना उसने का ये अक्खा मसूर है, ये ऐसा रहना चाहिए।
ये हो गया होते हैं और ये कांदा भी मेरा लाल हो रहा है। कांदा लाल हो जाएगा तो जो पिसा हुआ जो मसाला है ना वो उसमें मैं डालूंगी। फिर इसमें जो सूखे मसाले जाएंगे मिर्ची पाउडर हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर और मैं इसमें शाह जीरा डालूंगी। और अच्छा भी बनता है। हम लोग जो गरम मसाला जो लाते हैं ना वो बॉम्बे से लाते हैं। बॉम्बे में A1 मार्केट है गरम मसाला ड्राई फ्रूट वो सब मिलता है इधर तो हम लोग वहीं से लाते हैं। मेरे हस्बैंड लेके आते हैं बहुत अच्छा रहता है हमारा गरम मसाला। पिसा हुआ भी जो मसाला है वो भी मिलता है गरम मसाला। बाकी जो मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर है वो मैं पठानवाड़ी से लेती हूँ वहाँ पे भी गरम मसाला अच्छा मिलता है। मगर हम लोग रमज़ान में जो लाते हैं रमज़ान शरीफ जो चालू होगा उसमें जो हम लोग लाएंगे तो वो हम लोग का पूरा साल भर चलता है प्लस उसमें से बचता भी है। अखा भी लाते हैं गरम मसाला और वो भी लाते हैं पिसा हुआ भी लाते हैं। मैं पिसा हुआ भी मंगाती हूँ अखा भी मंगाती हूँ। बिरयानी और पुलाव में जो अखा गरम मसाला लगता है ना यखनी पकाने में और ये बिरयानी के चावल उबालने में उसके लिए मंगाना पड़ता है अखा गरम मसाला। तो ये भी मसाला भुनेगा थोड़ा अदरक लहसुन पकेगा तो मैं उसमें सूखे मसाले डालूँगी। तेल आ गया इससे थोड़ा हल्का हल्का पानी है मगर उतना चलता है। इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 1 चम्मच हल्दी थोड़ी सी क्योंकि मैंने दोनों में हल्दी डाली थी उबलने में और ये मिर्ची पाउडर ये कश्मीरी है मिर्ची एकदम रेड कलर है इसका और ये गरम मसाला पाउडर मैं ढाक के भूनूंगी अभी और इसका जो एक्स्ट्रा जो और पानी वानी होगा इसमें वो सूख जाएगा। फिर मैं इसमें गोश्त डालूंगी गोश्त डाल के भूनूंगी उसमें गोश्त को भी भूनना चाहिए उसमें मसाले में। इसमें मैं थोड़ा जो गोश्त का उबला हुआ पानी है ना वो थोड़ा डालूंगी इसमें ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डालूंगी तो डायरेक्ट भुने जाएगा तो डायरेक्ट मैं थोड़ा गोश्त डाल दूंगी क्योंकि नीचे थोड़ा लग रहा है। ऐसा उबलना चाहिए और यही इसी टाइम पे मैं थोड़ा कोथमीर और पुदीना थोड़ा भुनने में डालूंगी बस फिर इसकी खुशबू अलग ही हो जाती है। इसको मैं ऐसे ओपन नहीं पकाऊंगी थोड़ा पकेगा तो फिर इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी पानी के साथ डाल दूंगी गोश्त और नमक में दाल और ये गोश्त अखा मसूर की जो दाल है ना वो दाल और ये गोश्त में पूरा होने के बाद नमक टेस्ट करूंगी। फिर उसके बाद में अगर नमक लगा कम है तो मैं नमक डालूंगी। अभी मैं डाल रही हूँ गोश्त थोड़ा कुकर ज़्यादा नहीं थोड़ा सी कुकर थोड़ा पानी बर्तन और निकल गए क्योंकि आज बर्तन नहीं थे सिर्फ चाय के ही बर्तन थे। मम्मो रात को धो दी थी हम लोग रात में पूरा किचन क्लीन करके सोते किचन क्लीन रहेगा तो अच्छा लगता है पूरा किचन हम लोग क्लीन करके सोते सुबह में सिर्फ चाय के रहेंगे और नाश्ते के और आज हम लोग नाश्ता भी नहीं करें क्योंकि आज थोड़ा हम लोग लेट उठे थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज हम लोग थोड़ा लेट उठे लेट सोए। दो दिन से मैं नींद नहीं आ रही थी मेरे को इसलिए मैं लेट सोई थी रात को
और अभी लेट हम लोग उठे, कम से कम हम लोग 12:30 बजे हम लोग उठे हैं। देखते हैं सालन, क्योंकि रात में नींद नहीं आ रही थी बराबर, 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ रात में, तो एकदम ही दिमाग क्या बोलूँ अभी मैं। और फिर प्लस फिर मम्मो इबो भी मेरे साथ ही जग रहे थे रात में। इबो मतलब इब्राहिम, उसको हम लोग इबो बोलते हैं घर में, और मम्मो का नाम है नुसरत, तो हम लोग नुसरत को मम्मो बोलते हैं। इतना लंबा कौन पुकारेगा नुसरत। और इब्राहिम तो मैं वीडियो पे बोल रही हूँ, मगर मैं इबो को इबो ही बोलती हूँ, इब्राहिम नहीं इबो। इबो बोलना आसान है और मम्मो बोलना भी आसान है। नुसरत, इब्राहिम, अभी ये बॉयल हो रहा है, अच्छा मतलब ये अच्छा पक गया है गोश्त डालने के बाद भी। गोश्त कब बनेगा? बस बेटा हो गया, अभी दाल डाल दी, उबलेगा फिर मैं देती हूँ। आज हम लोग ने नाश्ता नहीं किए क्योंकि टाइम हो गया था, तो नाश्ता नहीं बना। मत ऐसा नहा के निकलो कैरी का। यार नाश्ता नहीं कर रहे इसलिए बच्चे लोग को भी भूख लग रही है, तो बस अभी ये आखिरी है। अब ये दाल में डाल रही हूँ इसमें, हाँ मसूर की दाल, बस ये भी हो जाएगा तो बच्चे लोग को खाना दे दूंगी। पहले मैं आप लोगों को निकाल के बताऊंगी कि ये कैसा बना। ये दाल गोश जैसा ही होता है, फर्क क्या है इसमें, सिर्फ दाल गोश में दालें रहती है, चने की दाल रहती है, मसूर की और तुअर की दाल रहती है, और ये जो अखा मसूर और जो गोश है ये अखा मसूर रहता है, और इसमें दूधिया नहीं रहती, दूधी लौकी जो बोलते हैं ना वो नहीं रहती है इसमें। दाल गोश में लौकी रहती है, 3 किस्म की दाल रहती है, कोई कोई मूंग की भी दाल डालता है उसमें, इसको अखा मसूर और गोश बोलते हैं। तो ये खाने में ये बहुत अच्छा लगता है, इसको आप बनाना, बना के टेस्ट करना और कमेंट में बताना कैसा बना। अब सबका अलग अलग है बनाने का हिसाब, बना के बताना टेस्ट करना। अब मैं थोड़ा कुकर भी धोकर डाल दूंगी, बस अभी एक बॉयल आएगा तो मैं आपको निकाल के बताती हूँ कैसा बना मेरा अखा मसूर और गोश्त। ये बन गया मेरा अखा मसूर और गोश्त, अभी मैं आपको निकाल के बताती हूँ। डायरेक्ट कड़े में ही निकालती हूँ क्योंकि फिर हम लोग खाने के बैठ रहे हैं, और आप आओ सब खाने, लंच करने आओ आप लोग सब। ये मैं कर रही हूँ गैस बंद, और ये मैं डाल रही हूँ उस पर कोथमीर, थोड़ी सी मैं रखूँगी इधर डालने ऊपर, मैं निकाल के बताती हूँ। मैंने निकाल के इसमें कोई तरी नहीं आती क्योंकि ये एकदम दाल है, तरी नहीं आती है इसमें, बता रही हूँ आपको। ये मेरा अखा मसूर, ये अखा मसूर और गोश्त, ये देखिए गोश्त देखिए, तो मैं मिलती हूँ आपको लंच के बाद। और ये कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भूलना नहीं दबाना, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी ना तो आपके पास पहले आएगी। और ये देखिए अखा मसूर और गोश्त कैसा लगा, आप भी बनाइए और कमेंट में भेजिए, और आइए लंच कीजिए हमारे साथ, खाना खाने आइए। आज गर्मी बहुत है, ये सब बच्चे लोग इधर दरवाजे में आके बैठे ले, बहुत गर्मी आज। ये हम लोग का फैन भी चालू है ऊपर का, देखो शाम में ठंडा हो जाता है और रात में गर्म हो जाता है। पूरी धूप इतनी हो रही है और पसीना पसीना हो गई हूँ।
मिलती हूँ बाद में। बोली थी मैं आपको लंच के बाद मिलती हूँ, मगर मैं सो गई थी, मुझे फीवर हुआ है और मेरा प्रेशर हाई है, इसके वजह से मैं सो गई थी। मैं शाम की चाय पी के मैं अभी ये बना रही हूँ, गवार फली, गवार की फली है ये। एक कांदा काटी हुई मैंने और ये एक टमाटर है, एक नहीं आधा टमाटर है और दो हरी मिर्ची काटी हूँ इस पर बारीक, और ये है गवार, इसकी भाजी मैं अभी बनाऊँगी। मैं बोली थी ना इसके इब्राहिम के अब्बू ये गोश्त वगैरह नहीं खाते ज़्यादा, तो शाम में मेरे को भाजी बनाना पड़ती है, तो मैं भी भाजी बना रही हूँ। भाजी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ मैं, तेल डाली उसमें, गैस ऑन कर दी। इसमें मैं अभी ये हो जाए तो इसमें मैं थोड़ी हल्दी और ज़रा सी मिर्ची पाउडर डालूँगी, एकदम ज़रा सी बस। और देखिए मैं कैसी गवार फली बनाती हूँ, कांदा लाल हो रहा है, हाँ कांदा लाल हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ गवार की फली कैसी बनती है। और तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, डॉक्टर के पास भी जाना है मुझे, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, दवाई लूँगी, हो सके तो इंजेक्शन भी लूँगी। मेरी कांदा लाल हो रहा है, इसमें मैं पहले कांदे में लाल होने के बाद मैं गवार डालूँगी, तो गवार अच्छी कड़क भुने जाएगी तो अच्छी लगेगी खाने में। मैं ये फ्रीज़र में साफ करके रखती हूँ, तो जो गवार है मैं भाजी वगैरह जो भी लाती हूँ ना सब साफ करके रखती हूँ। भिंडी और चिंगली तो कोई खाता नहीं हम लोग के घर में, ये जो गवार है मैं साफ़ करके डायरेक्ट फ्रीज़र में रखती हूँ, तो पकाने से थोड़ी टाइम पहले मैं निकाल लेती हूँ, तो फ्रीज़र में ख़राब नहीं होती है, नीचे फ्रिज में नीचे थोड़ा ख़राब भी हो जाता है, इसलिए मैं ऊपर रखती हूँ, और जब पकाने की रहेगी तो मैं बना देती हूँ निकाल के। ये कांदा थोड़ा लाल हो गया है ऐसा, जब इसमें मैं गवार डाली, गवार को मैं एकदम जैसा हल्का गवार पे जो लग जाता है ना हल्की जली जैसी, अब जैसा कांदा जैसा लाल हुआ ऐसी गवार भी लाल होगी। ये भी होने आई है हल्दी, ये ऐसी मेरे को चाहिए थी, अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है इसमें, ये ऐसा ये बता रही हूँ ना, ये ऐसी ये है ना, ये वाली ऐसी फली सी, और इसमें भी मैं डाल दूँगी ये टमाटर, इसमें जाएगा नमक, नमक अपने हिसाब से, और थोड़ी सी हल्दी, और ज़रा सा एकदम मिर्ची पाउडर, ज़रा सी एकदम थोड़ा मिर्ची, मेरी बहुत हद से ज़्यादा लाल है तो ये मैं इतनी डालूँगी, इतनी सी हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, मगर डाल देंगे तो वो भी अच्छा है, तो मैं हल्दी भी ज़रा सी डालूँगी, ये इतनी हल्दी डालूँगी। फ्लेम एकदम फास्ट कर देंगे, गैस की फ्लेम, इसमें भी टमाटर गलेंगे, तेल में ही पकेगी ये, पानी बिल्कुल नहीं डालने का इसमें, और स्लो पे पका, इस पर भी मैं ये हिला के मैं इसको झाँक दूंगी, ढककर पकाऊंगी, तो ये जो टमाटर है ना ये भी सब गल जाएंगे,
टमाटर सब गल जाएंगे, तो ये अभी हो जाएगी तो मैं निकाल के बताती हूँ। अभी इसके टमाटर गलने को छोड़ देंगे। गवार देख लेती हूँ, ये है थोड़ा, आपको बोली थी ना शाम में मेरे इधर भाजी बनती ही बनती है, क्योंकि शाम में हम लोग दोपहर में नॉन वेज खा लेते हैं, क्योंकि दोपहर में जो बनाती हूँ ना मैं वो दोनों टाइम का बनाती हूँ, तो ज़्यादा भाजी नहीं बनती, थोड़ी बनती, बस एक एक रोटी सब खा लेते हैं। रोटी और भाजी मेरे वहाँ शाम में ताज़ा बनती है, रोटी और भाजी ताज़ी बनती है मेरे इधर। ये हो गई है, मैं भी आपको निकाल के बताती हूँ। ये गवार फंदी, बन गई हम लोग की गवार फंदी, ये बन गई है भाजी, ये देखिए आप गवार फली। और जो दिख रही है ना इतनी अच्छी, खाने में भी उतनी अच्छी है, टेस्ट है इसमें। और ये मम्मा बना रही है रोटी, अभी मैं तवा रख के रोटी सेकूंगी, तवा रख के रोटी सेकूंगी। ये भाजी और ये जो मैंने बनाया था दोपहर में, बल्कि हम लोग दो टाइम का ही बनाते हैं, तो ये भाजी और दोपहर में जो मैंने अखा मसूर में गोश्त डाल के जो बनाई थी वो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से बात करने भी नहीं हो रही है क्योंकि मेरे हाथ पैर भी कांप रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुदा हाफिज़।